फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास की इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ देख लिया था, और हमने देख लिया था कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास जो है उसके ऊपर सारी बॉडी यानी कि सारे ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है सारा कंसंट्रेटेड रहता है, या यूं कहूँ बैलेंस करने के वो पॉइंट काम आता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग बात करें सी सॉ की, सी सॉ एक झूला है हमें अच्छी तरह पता है, और इसके अंदर एक बीम होती है, और ये जो बीम है इसका जो फिक्स सेंटर ऑफ मास है यानी कि इसका जो बीच का हिस्सा है, मिडल पॉइंट है, जिससे इसके जिस पर इसके सारा का सारा जितना भी मास है वो कंसंट्रेटेड है, डिपेंड करता है, वो एक हैंडल के ऊपर फिक्स किया जाता है जिसकी मदद से ये झूला बनता है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास किसी ऑब्जेक्ट का जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि वो सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, यानी कि कितना दूर होना चाहिए किसी ऑब्जेक्ट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं। अब मान लीजिए कि ये दो ऑब्जेक्ट जो हैं कि स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम लोग एक ही ऑब्जेक्ट मानेंगे। अब मैं चाहता हूं कि इस एक ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है मुझे पता चल जाए, जिसकी मदद से, जिस पॉइंट की मदद से मैं इसे बैलेंस कर सकूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस तरफ तो जो मास है यकीनन ज़्यादा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बड़ा है, और इस तरफ का जो मास है वो कम ही होगा क्योंकि वो साइज में भी छोटा है। सो अब मुझे पता करना है कि इस पूरी स्ट्रिंग में, मतलब इस पूरी की पूरी जो बीम लगी हुई है बीच में, स्ट्रिंग बिना कह के इसे बीम कहते हैं हम लोग, इसके अंदर वो कौन सा पॉइंट है जिस पर ये दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे, उसे ही हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ मास। पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो उसको कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल तरीका है कि मान लीजिए कि मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट से एक रैंडम दूरी लेता हूं कुछ, मान लीजिए कि यहां पर मैंने एक लाइन खींच दिया, तो यहां से मान लीजिए इस पहले ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो x1 है और दूसरे ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो x2 है, यानी कि डिस्टेंस मैंने पता कर लिया है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने ये जो डिस्टेंस है ये रैंडम डिस्टेंस ली क्यों है। देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि इस पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में, मतलब वो कौन सी डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस पे वो पॉइंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा, जहां पर मेरा सेंटर ऑफ मास पाया जाएगा। इसीलिए मैंने ये डिस्टेंस ली है ताकि एक बार जब मेरे पास ये दोनों डिस्टेंस आ जाएं, मतलब अंदर की मेरे पास तीसरी डिस्टेंस मेरे पास निकल के आ जाए, तो मैं आसानी से पता कर सकता हूं। सो बेसिकली इसको पता करने का सीधा सा तरीका यही है कि ये जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट का मास मल्टीप्लाई बाय इस ये जो रैंडम एक्स वन डिस्टेंस ली है, प्लस में ऑब्जेक्ट टू का जो मास है एम टू मल्टीप्लाई बाय उसकी जो डिस्टेंस है x2, डिवाइडेड में दोनों मासेस को हमें जोड़ना है, यानी कि m1 प्लस m2। देखिए, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूं, मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए कि इस पहले ऑब्जेक्ट की जो दूरी है यानी कि जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर्स, और ये जो दूसरे ऑब्जेक्ट की जो दूरी है यानी कि डिस्टेंस है वो है 10 मीटर्स, और ये जो मेरा पहला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है वो है 2 kgs, और दूसरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 4 kgs। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये सॉल्व कुछ इस तरीके से होगा कि m1 का मान 2 kg है, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस में 4 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 2 प्लस 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 8 मीटर। इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 8 मीटर डिस्टेंस, यानी कि ये जो मैंने बार चुनी है, जो मेरी लाइन चुनी हुई है, यहां से मैं 8 मीटर इसको आगे ले जाऊं तो यहां जहां पॉइंट खत्म हो रहा है 8 मीटर, वही है मेरा सेंटर ऑफ मास, वही है मेरा वो पॉइंट जहां पर ये बैलेंस हो जाएंगे दोनों आपस के अंदर। साथ ही अगर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं तो देखिए, हमें पता है कि इस रैंडम जो डिस्टेंस हमने मान लिया 10 मीटर्स की, ये जो मेरी बार निकल कर आई है वो 6 मीटर्स की है। अब मैं क्या करता हूं कि ये जो टोटल दूरी है मेरी, टोटल डिस्टेंस मेरी 8 मीटर निकल के आई है, 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू में 2, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर्स की हो गई, और ये जो मैंने 4 मीटर्स मानी हुई है, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू में 4 मीटर्स, यानी कि 4 मीटर्स और 2 मीटर्स, ये बन गया मेरा सेंटर ऑफ पॉइंट, ये बन गया मेरा जो है सेंटर ऑफ मास। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी इसकी कैलकुलेशन मैंने कैसे की है। पहले क्या किया, पहले दो ऑब्जेक्ट्स की रैंडम डिस्टेंस मान ली 10 और 4, उसके बाद इस इक्वेशन की मदद से 8 मीटर एक नई मैंने जो है डिस्टेंस निकाली, जो कि बनी उसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं, पॉइंट जो मेन पॉइंट है वो निकल के हमारे पास आया। सो ये है
दो ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब वहीं अगर मैं कहूं कि इसी एक्स डायरेक्शन के अंदर मैं तीसरा ऑब्जेक्ट भी जोड़ दूं, तब क्या होगा? तब कुछ खास नहीं होगा, जाहिर सी बात है, हमने पहले दो डिस्टेंस मानी थी, इस बार तीन मानेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन के आ जाएगी। और वही चीज अगर एक्स डायरेक्शन में ना हो करके वाई डायरेक्शन में हो, तब क्या होगा? तब भी कुछ नहीं होगा, तब भी यही होगा कि इस बार जो है मैंने जो डिस्टेंस मानी है, इस बार मैं कुछ इस तरीके से मान लूंगा इसको, और यहाँ पर जो फॉर्मूला मेरे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। देखिए, मोस्ट ऑफ द इजी थिंग है, कैलकुलेट करने के अंदर बच्चों को या फिर स्टूडेंट्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स को सॉल्व करने का, मैकेनिक्स को समझने का ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी मैकेनिक्स सीधे सीधे समझ में नहीं आती है, मैंने इंट्रोडक्शन में पहले ये बात की है। इसलिए जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसा माना जाता है सबसे ज़्यादा सटीक है, हर तरीके के फॉर्मूलास में, हर तरीके के लॉस में, चाहे वो न्यूटन के लॉस हो, चाहे और भी कोई लॉस। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, और ये है सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन और कैलकुलेशन। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।